कैप्टन अपने टीम के लिए पूरी कोशिश करते हुए, अभी तक खाता भी नहीं खुला है भूरतोला टीम का, देखते कि अपने टीम के लिए क्या काम करता है। मैच जीतने के लिए दोनों ही टीम को काफी मेहनत मशक्कत करनी होगी, और एक अंतर जिनकी यहाँ पर भूरतोला टीम ने अभी महलगांव के खिलाड़ी सर्विस करते हुए, काफी छोटे कद के खिलाड़ी है मगर बहुत ही फुर्तीला, उतनी अच्छी, और दो मिनट का खेल यहाँ पर अभी हो चुका है। फिर यहाँ पर दो अर्जित किया यहाँ पर महलगांव की टीम ने, फिर नौ नंबर के खिलाड़ी भूरतोला टीम के ओर से सर्विस करते हुए और पूरी कोशिश करते हुए कि अंक अर्जित करने के लिए पूरी जी जान लगाया हुआ है, और फिर यहाँ पर एक अंक गवाया भूरतोला टीम ने। मालगांव 4 भूरतोला 1, अभी भी 3 अंक का सिर्फ बढ़त में है यहाँ पर मालगांव, दोनों ही टीम को मानना पड़ेगा। फाइनल मैच खेलते हुए करो या मरो की स्थिति, दोनों को काफी लंबा अनुभव, 10 अंक के जो खिलाड़ी है भूरतोला टीम के कैप्टन अपनी टीम के लिए सर्विस करते हुए पूरी कोशिश करते हुए पूरा मैदान हिला दिया उनने। फिर यहाँ पर एक अंक अर्जित किया महलगांव टीम के, फिर यहाँ पर नीचे तक के खिलाड़ी महलगांव के पूरी कोशिश में लगे हुए हैं मैच जीतने के लिए, दोनों टीम को काफी समय लिया यहाँ पर अभी 5, 1, 2, 3, 4, 4, 6 अभी लगभग 4 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है, अभी भी 6 मिनट इस पहले राउंड में शेष बचा हुआ है। यह मैच जो होगा 10-10 मिनट का होगा, अभी तो इसमें शुरुआत है। भूरतोला टीम के ओर से सर्विस करते हुए अपनी टीम के लिए देखना होगा ऊंची कद के खिलाड़ी है क्या कर पाते, पूरी कोशिश लगी हुई है। बहुत बढ़िया सर्विस, उतनी अच्छी, और फिर यहाँ पर दो अंक अर्जित किया यहाँ पर भूरतोला टीम ने, स्कोर मालगांव का अंक है 5 और भूरतोला टीम का है 3, अभी भी 2 अंक का। फिर यहाँ पर एक अंक अर्जित किया मालगांव टीम ने, बाकी का स्कोर हुआ 6 और अभी भी 3 अंक लेकर के संतुष्ट करना पड़ा है भूरतोला टीम को, 3 अंक से अभी भी यहाँ पर। तीन अंक लेकर के अभी भी बढ़ोतरी में है मालगांव टीम, फिर नीचे कद के खिलाड़ी हमारे सर्विस करते हुए मालगांव टीम की ओर से, पिछली बार भी 2 अंक अर्जित किया था, बहुत ही अच्छी सर्विस। अभी हमारे 3 अंक के जो खिलाड़ी है काफी ऊंची कूद कद के पूरी कोशिश कर रहे हैं भूरतोला टीम के लिए, देखना होगा दर्शक पूरे फाइनल मैच को बिल्कुल एक। फिर यहाँ पर 2 अर्जित किया भूरतोला टीम ने, अभी 1 अंक से यहाँ पर महलगांव टीम आगे है, 6 अंक है यहाँ पर
और 6 मिनट का खेल भी अभी हो चुका है, इसमें 4 मिनट अभी पहले राउंड में बचा हुआ है। दोनों टीम काफी फाइनल मैच है, अच्छा अनुभव के साथ में, मगर शायद उनका पैर मुड़ने की वजह से 1 अंक अर्जित किया यहाँ पर महलगांव टीम ने। बहुत अच्छी यहाँ पर 1 अंक अर्जित किया यहाँ पर बुरा बुला टीम ने। भैया दो तो क्या, हाँ साथ साथ दोनों ही टीम जो है भी यहाँ पर बराबर में आ गई है। महलगांव वर्सेस भूरा टोला फाइनल मैच हो रहा है और दोनों का ही 7-7 अंक है। देखिए इसको बोलते हैं कि एक छन्ना लगा करके जो टीम खेली है राजभर, और फाइनल में दोनों ही टीम जो 50-50% के हिसाब से बराबर अंक, दोनों ही टीम को अगर से जीतना है तो काफी अनुभव के साथ में अच्छा लंबा अनुभव है दोनों टीम को। पिछले बार की विजेता भी टीम रही है भूरा टोला टीम, और उतनी बढ़िया अच्छी टीम रही है महलगा जिन्होंने भंडारगुड़ी से भी फाइनल ले गया था। फिर हमारी महलगांव टीम के रीडर सर्विस करते हुए नीचे तक के खिलाड़ी, और फिर यहां से दो बार अर्जित किया, पिछली बार भी ऐसे ही किया था, और यही छोटे कद के खिलाड़ी ही अंक अर्जित कर रहे हैं यहां पर। 8 मिनट का खेल हो चुका है, अभी यहां पर 2 मिनट शेष बचा हुआ पहली पारी का, फिर से 9-9 हो गया है। इसके पहले 7 अंक जो था दोनों टीम का था, फिर से भी यहाँ पर दोनों ही टीम का 9-9 अंक यहाँ पर बराबरी में, काफी का मुकाबला होना चाहिए। अब फिर यहाँ पर 1 अंक अर्जित किया भूरा टोला टीम ने, अब 10 हो गई है भूरा टोला। देखिए समय बदलते हुए देर नहीं लगती, शुरुआत में लगता था कि भाई हमारी काफी हमारी टीम जो है अंक में आगे निकल चुकी थी महलगांव, यहाँ पर भूरा टोला जो 1 मिनट का खेल शेष बचा हुआ है। बहुत अच्छी दोनों ही टीम, यहाँ पर मानना पड़ेगा कि एक समय ऐसा था कि भूरा टोला की टीम काफी पीछे थी, और फिर यहाँ पर वापसी करती हुई भूरा टोला की टीम। देखिए महलगांव के जो खिलाड़ी है काफी फुर्तीले, बहुत ही ऊंचे तक के खिलाड़ी पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम को जिताने के लिए, और उनको भी टीम के पूरा भरोसा है, टीम के पूरे खिलाड़ी का, कि अभी हमारा जो लीडर है काफी अच्छी सर्विस करते हुए लंबी तक के। ये अंतिम रीड होगी, पहले राउंड का जो है समय समाप्त हो चुका है, भी कितने दो समय समाप्त भी हो चुका है। भूरा टोला 15, ये 10 मिनट का खेल जो होगा यहाँ पर दोनों ही टीम को वापसी कैसे करनी है, अच्छी मेहनत करनी होगी महलगांव टीम को, उतना ही अच्छा खेलना होगा यहाँ पर भूरा टोला टीम को, क्योंकि शुरुआत में यहाँ पर देखा गया था कि भूरा टोला टीम काफी पिछड़ चुकी थी, मगर अभी महलगांव टीम भी काफी अनुभव रखती है, और अभी पूरा 10 मिनट का खेल शेष बचा हुआ है। भूरा टोला टीम के 9 नंबर के खिलाड़ी सर्विस करते हुए अपनी टीम के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं जिताने के लिए, देखना होगा।
अपने गांव के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने महाराष्ट्र के लिए क्या कर पाते हैं। बहुत ही हमारे मालगांव के ऊंची कद के खिलाड़ी सर्विस करते हुए भूरा टोला टीम को ये फाइनल में प्रारंभ है। भी 9 मिनट का और अभी खेल शेष बचा हुआ है। दोनों ही टीम को कहते हैं फाइनल मैच खेलना है। काफी अनुभव और चतुराई और संयम से खेलना होगा। फाइनल मैच है, साल में एक बार होता है। फिर यहां पर एक अंक अर्जित किया, फिर से यहां पर सर्विस करते हुए पतले कद के खिलाड़ी मालगांव टीम के तरफ से 5 नंबर के अपने टीम के लिए पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि हम जल्दी से जल्दी यहां पर अंक अर्जित करें और अपनी टीम में जो बाहर गए खिलाड़ी वो वापसी कर सके। अभी भी 3 खिलाड़ी शेष बचे हुए हैं मालगांव टीम की ओर से। अब भूरा टोला टीम के 9 नंबर के खिलाड़ी फिर यहां पर एक अंक अर्जित किया, हो गया भाई। पूरी कोशिश की थी उनने भी यहां पर 9 नंबर खिलाड़ी ने, और उतनी अच्छी कोशिश की थी मालगांव की भी ने कि भाई हमारे बीच में हम भी 3 है। अच्छा प्रदर्शन और काफी दर्शक लोग भी इस बार हंसे यहाँ पर। फिर यहाँ पर एक अंक अर्जित किया भूरा टोला टीम ने, अंक क्या हुआ है? अभी भी भूरा टोला टीम का 17 अंक है और 10 है महलगांव का। 7 अंक का भी से आगे यहाँ पर भूरा टोला टीम और 3 मिनट का जो खेल है वो हो चुका है। 7 मिनट बचा हुआ है अभी। फिर से एक अंक अर्जित किया यहाँ पर भूरा टोला टीम के खिलाड़ी ने। मैच जो है अभी एक तरफा होता हुआ यहाँ पर। पहले लग रहा था कि महलगांव टीम यहाँ पर बहुत अच्छा खेलेगी, मगर यहाँ पर अभी एक खेल जो है 20 जो है अर्जित समय अभी 20 अंक अर्जित किया यहाँ पर अभी भूरा टोला टीम ने और 10 है महलगांव में। अभी भी 10 अंक की बढ़त में है यहाँ भूरा टोला टीम, मगर अभी भी 7 मिनट का खेल शेष बचा हुआ है। अभी भी यहाँ पर वापसी कर सकती है महलगांव टीम और पूरी कोशिश में लगे हैं उनके 7 खिलाड़ी। और फिर यहाँ एक अंक अर्जित किया भूरा टोला टीम के खिलाड़ियों ने। अभी भी महलगांव टीम वापसी कर सकती है पूरा फुर्ती के साथ में यहाँ पर खेलना होगा। फिर यहाँ पर एक अंक अर्जित किया भूरा टोला टीम के खिलाड़ी ने। पूरी कोशिश की थी यहाँ पर हमारे, इतनी अच्छी कोशिश की थी यहाँ पर महलगांव टीम के भी खिलाड़ी ने। 3 अंक के खिलाड़ी सर्विस करते हुए शायद उनके पांव में मोच भी है हल्की फुल्की। अच्छा गड्ढे की वजह से है, हमारे दर्शक लोग बोल रहे हैं कि गड्ढे की वजह से थोड़ा सा कल पानी आने की वजह से मैदान गीला हो चुका है, इसलिए ज्यादा जम पत्थर की तरह जम चुका पूरा मैदान, मगर इतनी नमी यहाँ से थे। कितने 2 बार गए क्या मालगांव के संयम से खेलना होगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है मालगांव टीम को, 5 मिनट शेष बचा हुआ है। अभी 24 अंक है भूरा टोला टीम के और 11 अंक है यहाँ पर मालगांव के लिए। अभी भी हमारे पास में 13 अंक की बढ़ोतरी पे है यहाँ पर भूरा टोला टीम की।
अभी भी 4.5 मिनट का खेल शेष बचा हुआ है। अगर से मैच जीतना है तो मैल का दीप को यहाँ पर पूरी संयम के साथ में खेलना होगा। 1 मिनट भी काफी है आपके लिए जीतने के लिए। फिर यहाँ पर 1 अंक गवाया हमारा भुवनगढ़ टीम ने और 12 अंक अभी यहाँ पर महिला टीम का भी और 24 अंक का यहाँ पर भुवनगढ़ टीम की। बहुत ही अच्छी कोशिश करते हुए यहाँ पर महिला के खिलाड़ी सेमीफाइनल में भी बहुत अच्छी टीम अपने टीम के लिए उन्हें खेला था। महलगांव ने पूरा मैच का आनंद लेते हुए सभी दर्शक पिछले बार भी यहां से फाइनल मैच खेली थी हमारे भुवनगढ़ टीम की। महलगांव एक पूरी कोशिश करते हुए महिला टीम के खिलाड़ी शुरू से ही काफी मेहनत करते हुए रीडर अभी 1 अंक अर्जित किया उसने। चौदह अंक अर्जित किया महिला ने और 25 अंक का यहाँ पर बुलेट हुआ टीम और 3 मिनट का खेल शेष बचा हुआ है। भाई साहब 3 मिनट का खेल शेष बचा हुआ है। 3 मिनट में भी वापसी हो सकती है महिला टीम की। ये मैच है इसमें कुछ कह नहीं सकते। पूरी कोशिश लगी हुई है अपनी हमारे नीचे कद के खिलाड़ी महिला टीम के रीडर के द्वारा अभी हमारे ऊंची कद के खिलाड़ी 10 नंबर के भुरा टोला टीम की तरफ से पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि पिछले बार भी हमने ग्राम नांगोटोला से फाइनल लेके गए थे और इस बार भी हम फाइनल लेके जाए। फिर यहाँ पर 1 अंक अर्जित किया यहाँ पर भुरा टोला टीम ने और महलगांव ने 1 अंक गवाया हमारे पतली तक के खिलाड़ी महलगांव टीम की तरफ से लीडर के रूप में सर्विस करते हुए पूरी फुर्ती के साथ में। अभी 3 नंबर के खिलाड़ी बिल्कुल पतली काठी के एक पैर को घुमाते हुए अपनी टीम के लिए भुरा टोला टीम के लिए खेलते हुए 8 नंबर के खिलाड़ी अभी भी 2 मिनट का खेल शेष बचा हुआ है। अगर इस मैच में वापसी करनी है अभी आपके पास महलगांव वाले के लिए 2 मिनट का खेल शेष बचा हुआ है। ये फाइनल मैच है। अभी यहाँ पर एक मैच एक तरफा होता हुआ भैया अंक क्या है? अभी भी भुवनगढ़ टीम के जो अंक है 26 अंक है और 14 अंक है यहाँ पर महलगांव का। 12 अंक से अभी भी यहाँ पर आगे है और 1 मिनट का खेल शेष बचा हुआ है। भैया 1 मिनट का खेल शेष बचा हुआ है। इसमें आप जो भी करना है जीतने के लिए वापसी करनी है तो आपको फिर यहाँ पर 1 अंक अर्जित किया भुवनगढ़ टीम ने और एक तरफा मैच होता हुआ लगभग जो जीत है सुनिश्चित हो चुकी है भुवनगढ़ टीम की। मगर अभी भी 1.5 मिनट का खेल शेष बचा हुआ है। वापसी कर सकते हैं तो ये अंतिम लीडर होगी। इसके बाद फाइनल मैच फिर से पुनः 2020 का हमारे भुवनगढ़ टीम का लगभग जितना तय हो चुका है। ये अंतिम लीडर होगी। ये अंतिम समय समाप्त हो चुका है।